हरे कृष्णा। कल कुछ याद है कल से? बड़ा भगवान की कथा और सुखदेव गोस्वामी का जन्म और अश्वत्थामा और मनवंतर ईशान कथा जय हरि बोल। तो तृतीय स्कंध में आगे चलते हैं। हम विदुर मैत्रेय संवाद की चर्चा कर रहे हैं। विदुर और मैत्रेय के आपस में जो वार्तालाप हुआ तृतीय स्कंध में, तो शुरू में विदुर जी, कल मैं सृष्टि के बारे में थोड़ा चर्चा हुआ था, तो उसमें भगवान ने कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु के बारे में हमने बात किया था। भगवान कर्णोदक्षय हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सुनाई दे रहे ना? भगवान महाविष्णु कर्णोदक्षय विष्णु सबसे पहले प्रकृति जो है वो अचेत अवस्था में रहती है, यानी क्रियाहीन अवस्था में, है ना? तो भगवान उस प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं। तो जब भगवान उस भगवान क्या है, जैसे हम लोग सूर्य बोलते हैं ना, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण। तो भगवान किसी भी अंग से कोई सा भी काम कर सकते हैं, है ना? ये भगवान की महानता है और इसीलिए वो भगवान है। हम अगर आंख से देख सकते हैं तो हम सिर्फ देख सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सोच रहे हैं कि चलो इस हफ्ते हम कान के द्वारा देखेंगे और आंख के द्वारा सुनेंगे, या नाक के द्वारा खाएंगे और मुंह के द्वारा सांस लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान कैसे भी करते हैं, तो जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान अपने दृष्टि से उसे खाते हैं, देख के। नहीं तो कोई बोले ऐसे कैसे खा लिया, चार रोटी रखा था, चार की चार है ना? भगवान जब खाते हैं, अपने गिरिराज की लीला में सुना होगा कि भगवान ने सारा खा लिया और जब भक्तों ने सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया तो सब वापस आ गया, इसलिए वो पेट जमती तो रहती है। तो भगवान जब प्रकृति पर दृष्टि प्राप्त करते हैं तो उस दृष्टि की वजह से प्रकृति गर्भवती होती है। तो प्रकृति के गर्भ में भगवान जीवों को डालते हैं उनके स्वभाव और कर्म के साथ, है ना? ये सब भगवान के तत्वाधान में होता है, और वो भगवान किस रूप में करते हैं, काल के रूप में करते हैं। तो जो कुछ भी होता है वो काल के प्रभाव से होता है, और काल कौन है, भगवान। तो जब भगवान प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं, प्रकृति गर्भवती होती है, तो वो दृष्टि भगवान ने देखा प्रकृति को, वो प्रकृति, वो जो दृष्टि है वो शिव है। वो दृष्टि क्या है, शिव है। तो वो भगवान ने दृष्टि रूप दृष्टि डाल के प्रकृति को गर्भवती किया और वो दृष्टि शिव है, इसलिए शिव जो है लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। तो उसके बाद जो ये अचेत अवस्था है जहां पे कुछ नहीं हुआ,
है ना। जैसे घर में सारा सामान लेके आ गए हम, सब्जी आलू भिंडी गाजर राइस दाल सब लेके आ गए, सब अलग अलग पैकेट में रखा हुआ है, इसे कहते हैं महान तत्व ना, इसमें कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। फिर जब भगवान इसको देखते हैं, अब कोई व्यक्ति चाहिए जो इसको मिक्स करेगा तो खिचड़ी बनेगी, है ना। तो भगवान उस प्रकृति से उसको जब देखते हैं उसमें फिर अहंकार आता है, अहंकार। फिर ये अहंकार तीन भाग में बढ़ता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ठीक है। तो चूंकि अहंकार से ही तीनों आए हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो अहंकार खुद तमोगुण में होता है। अहंकार क्या है? तमोगुण है। और उस अहंकार से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीन आए, इसीलिए ये तीनों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों शुद्ध नहीं होते, ये भौतिक सत्वगुण है, भौतिक रजोगुण है, भौतिक तमोगुण है। इसलिए हमें कहते हैं ना कि आपको विशुद्ध सत्व में जाना है, यानी कि इस अहंकार से ऊपर। फिर ये अहंकार से फिर काल के प्रभाव से तीन उसमें बढ़ जाता है, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति द्रव्य शक्ति। ज्ञान शक्ति से मन की उत्पत्ति होती है, दस देवता जो कि इंद्रियों के देवता हैं, और क्रिया शक्ति से हमारी बुद्धि प्राण और दस इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां पांच ज्ञानेंद्रियां, और द्रव्य शक्ति से पांच तत्व पैदा होते हैं। और हमारे जिसे तन्मात्रा जिसे कहते हैं, माने आंखों के लिए रूप सेंस ऑब्जेक्ट इंद्रियों का साधन। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले साउंड, साउंड से आकाश ईथर को क्या बोलते हैं? नभ, ना पांच तत्व वाले चिट्टी जल पावक गगन समीर। तो जो गगन है वो साउंड से ध्वनि, फिर ध्वनि से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से एक वायु, वायु के बाद रूप, रूप के बाद आग, आग के बाद स्वाद, स्वाद के बाद पानी, पानी के बाद गंध, गंध के बाद धरती पृथ्वी, ठीक है। इसीलिए आकाश में खाली एक एक गुण है साउंड का, है ना। और हवा में रूप और गुण दोनों हैं, इस तरीके से पानी में चार और धरती में पांचों गंध भी है। इस तरीके से सृष्टि होती है, दस तरह की सृष्टि है जिसमें छह तरह की सृष्टि सर्ग विसर्ग बताया। सर्ग किसने किया? भगवान। विसर्ग ब्रह्मा जी ने। तो दस तरह की सृष्टि हुई जिसमें से छह तरह की सृष्टि भगवान ने करी, चार तरह की सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी। तो भगवान ने क्या क्या बनाया? भगवान ने महत्त्व बनाया, भगवान ने झूठा अहंकार बनाया, और इंद्रियों के साधन, और पांच भौतिक तत्व, और कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां मन बुद्धि और अज्ञान अहंकार, ठीक है। ये छह किसने बनाए? भगवान ने। ब्रह्मा ने चार चीजें क्या बनाई? छह, उन चार में चार कैटेगरी है। फर्स्ट है जिसमें से छह तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटियां, दूसरा है 28 तरह के जानवर, है ना, जिसमें दो खुर वाले, एक खुर वाले, पांच पंजे वाले चिड़िया, तीसरा कैटेगरी मनुष्य बनाए, चौथा कैटेगरी 8 तरह के देवता, ठीक है। और एक अलग कैटेगरी है जिसमें वो चार कुमार कल बताया था, ठीक है। चार तरह की प्रलय के बारे में अत्तर ऋषि बताते हैं, अत्यंतिक प्राकृतिक नैमित्तिक नित्य, है ना। तो चार तरह की प्रलय होती है। एक प्रलय है जो हमेशा हो रही है, कैसे हमारे शरीर में कुछ ना कुछ नष्ट होता रहता है हमेशा, एक तो ये है ना, इसे कहते हैं नित्य प्रलय। दूसरा है नैमित्तिक, जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तब प्रलय होती है। फिर जब प्राकृतिक, जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष यानी उनकी पूरी उम्र हो जाती है तब जो प्रलय होती है उसे कहते हैं प्राकृतिक। और अंत में जब हमारे फॉल्स ईगो, हमारा जो झूठा अहंकार है मिथ्या अहंकार, जब ये नष्ट हो जाता है तो इसे कहते हैं आत्यंतिक। चार तरह की प्रलय, ठीक है। इतना सृष्टि का वर्णन होने के बाद और डिटेल में है
इसके बाद मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि आप जो है हमें हिरण्याक्ष के बारे में कल हमने चर्चा की थी ना, हिरण्याक्ष बारे, तो कहते हैं इनकी लड़ाई क्यों हुई है ना, ये इतने पावरफुल कैसे बने, विदुर जी का प्रश्न है ना, ये ऐसा क्या हो गया, क्यों भगवान ने इनको मारा, ये इतना पावरफुल कैसे हुआ, ब्रह्मा जी ने इन्हें ऐसा वरदान क्यों दिया, ये सब पूछा है ना। तो उसमें बताते हैं कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों किसके बेटे हैं, पूरा नहीं बता रहे, ठीक है। तो एक दिन की बात है, कश्यप अपने आश्रम में थे और संध्या का समय था, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, आहुति दे रहे थे, और उस समय उनकी पत्नी उनके पास आई जो उनका संग चाहती थी, उसी समय राइट मोमेंट, काम से प्रभावित होकर उनकी पत्नी उनके पास आई, किस समय, संध्या का समय था, कब, जब वो यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, तो दिति अब ये तो यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं और वो उसका चेतना बिल्कुल ही कामुक है, तो वो तरह तरह की शारीरिक चेष्टाओं से अपने पति का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, पर जब उनके पति उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे तो फिर वो शारीरिक चेष्टाओं के बावजूद भी नहीं जब हुआ तो फिर वो खुले शब्दों में बोलती है कि आप जो है मेरी इच्छा की पूर्ति करें, मैं इस समय जैसे एक पागल हाथी केले के पेड़ को नष्ट करता है उसी तरीके से कामदेव ने मेरी बुद्धि को इस समय नष्ट किया, तो इस समय मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बस मुझे एक पुत्र चाहिए, जैसे और लोगों के, मेरी और बहनों के पुत्र हैं, ऐसे मुझे भी पुत्र चाहिए और आप मेरे पति हैं तो मैं आपसे ये मांग कर सकता हूं। जब मेरे पिता दक्ष ने सभी पुत्रियों से पूछा था कि आप किससे शादी करना चाहती हैं, तो उस समय मैंने आपका नाम लिया था, तो चूंकि मैंने आपको सिलेक्ट किया है इसलिए आप में वो गुण देख के इसलिए आप मेरी इच्छा की पूर्ति करें। इस तरह से जो है दीति उनको अपनी बात मनवाती है कि माने ही। तो कश्यप मुनि उस समय चाहते तो उसको बलपूर्वक मना कर देते, लेकिन थोड़ा उनका भी डिस्टर्ब हुआ होगा चेतना जो भी है, लेकिन उन्होंने उनको बोला, कश्यप मुनि ने दीति को समझाने की कोशिश की कि ये सही समय नहीं है, इस समय संध्या का समय है और जो भी तुम्हारी इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा, पर इस समय नहीं, हर चीज का एक जो है समय होता है, तुमने मेरी इतनी अच्छे तरीके से सेवा की है और इस सेवा का ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता, और वास्तव में तो तुम्हारे जैसी पत्नी मिलने से हम जो गृहस्थी जीवन में हैं वो जैसे एक राजा अपने किले की दीवारों के सहायता लेकर अपनी रक्षा करता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है, उसी तरीके से हम गृहस्थ लोग अपनी पत्नी का सहायता लेके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। इस तरीके से वो उसको समझाने की, बड़ी बड़ी बात बोल के उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, कहते हैं कि जरूर तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा, लेकिन आपको क्या है कुछ समय जो है इंतजार करना चाहिए, ये समय सही नहीं है, ये संध्या का समय है, इस समय में भगवान शंकर अपने वाहन नंदी पर सवार होके भवानी अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए निकलते इवनिंग वॉक में, तो ये समय जो है अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है,
क्यों अच्छा नहीं है? इसलिए क्योंकि जब भगवान शंकर इस समय में घूमने के लिए निकलते हैं तो उनके साथ उनके पार्टी भी आती है, उनके जो गण हैं भूत प्रेत वो सब भगवान शंकर के फॉलोअर्स हैं, वो जहाँ भगवान शंकर जाते तो उनके साथ भी वो लोग जाते हैं। तो अगर इस समय में अगर हम संग करेंगे तो भगवान शंकर क्या ये जो भूत प्रेत हैं इनको स्थूल शरीर नहीं है, तो भगवान शंकर इस समय में जो संग करता है उस स्त्री के गर्भ में भूत प्रेतों को डाल देते हैं, क्योंकि इनको शरीर चाहिए और वो लोग गलत समय में कर रहे हैं। तो ये भगवान शंकर क्या करते हैं, अपने जो गण हैं भूत प्रेत इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके और उसके गर्भ में डाल देते हैं, वही संतान होती है जो माता पिता को नरक कर देती है जीते जी। तो कहते हैं ये समय सही नहीं है, और वैसे भी भगवान शंकर तो आपके रिश्ते में जीजा जी लगते हैं, तो आप उनका सम्मान करें और समझने की कोशिश करें। तो इतना अच्छे से उनको सदुपदेश देने के बाद भी दीदी की चेतना में कोई प्रभाव नहीं आया, वो इतनी ज्यादा कामदेव के प्रभाव से इतनी ज्यादा त्रस्त हो रही थी कि वो भागवत में वर्णन आता है कि वो जबरदस्ती अपने पति के कपड़े जो है वो वस्त्र खींच खींच के उनको डिस्टर्ब किया उन्होंने। तो इस तरीके से जब उनको नहीं उनको समझ में आया तो कश्यप जी ने उनका संग किया, और उसके बाद दिति को समझ में आया कि कितनी बड़ी गलती हो गई है। जब उसको अब क्या होगा, अब तो देर हो गई, तो फिर वो क्षमा मांगने लगी। तो कश्यप जी कहते हैं कि तुमने जो पाप किया है इसकी वजह से तुम्हारी जो तुम्हारे गर्भ में दो संतान आई है, ठीक है। तो यहां पे कश्यप जी कहते हैं कि चार चीज गड़बड़ हुई है, चर्चा कर रहे थे। तो चार चीज गड़बड़ हुई है, क्या क्या? तुम्हारा जो मन या चेतना जो थी वो क्या थी, दूषित थी, काम भाव से दूषित थी। नंबर दो, समय अनुचित था। नंबर तीन, तुमने देवताओं की और भगवान शंकर स्वयं उनकी उपेक्षा करी। तथा नंबर चार, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। चार चीज, एक समय खराब था, चेतना खराब थी, देवताओं का उपेक्षा किया, भगवान शंकर और सभी देवताओं का उपेक्षा हुआ, उपेक्षा माने उनका अनादर हुआ, और चौथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन। तो इन चार चीजों की वजह से जो है तुम्हारी संतान क्या होगी, तो बहुत बड़े भयानक राक्षस हो गए। दीदी तो घबरा गई, इतना नहीं सोचा था इतना गड़बड़ होगा। तो इसके बाद अब ये वैदिक संस्कारों में ये जो चीज है इसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार में प्रथम संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का मतलब ही यही है कि आपकी जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले पति पत्नी हैं उनको किस तरह की संतान चाहिए उसके लिए गर्भाधान संस्कार होता है। जैसा जिस तरीके से गर्भाधान संस्कार किया जाएगा वैसी संतान उन्हें प्राप्त होगी। शास्त्र कहते हैं कि जो बिना गर्भाधान संस्कार के पैदा होते हैं वो सब शूद्र होते हैं, भले वो फिर बाद में यहाँ धागा पहने यहाँ धागा पहने कुछ भी करें, है ना। वो बात अलग है कि अगर वो किसी वैष्णव गुरु
प्रमाणिक वैष्णव गुरु से दीक्षा ले लें तो फिर वैष्णव कहलाते हैं। तो जैसे आप खड़े होते सही आने लगती है, जैसे प्रभु जी खड़े होते आवाज सही लगती है। अरे तो इसलिए यहाँ पर ये जो संस्कार हुआ उसके हिसाब से चार चीजें, ये संस्कार में होता है यही चार चीजों को करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो अनुचित, जैसे यहाँ कश्यप जी कह रहे हैं कि अनुचित समय था, तो जैसे और भी संस्कार जब होते हैं कोई सा भी हो, सबसे फेमस जैसे विवाह संस्कार होता है, तो विवाह संस्कार में मुहूर्त निकालते कि नहीं? प्रॉपर एक मुहूर्त निकलता है, नामकरण करना है तब भी एक मुहूर्त निकलता है, कोई भी संस्कार हो मुहूर्त निकाला जाता है और उसी मुहूर्त में उसको करते हैं। कभी कभी देखा होगा अपने शादियों में अगर डिले हो रहा हो, देर हो रही हो, तो पंडित जी कहते जल्दी जल्दी करो, क्यों? मुहूर्त निकल जाए, क्योंकि जो मुहूर्त है शुभ उसमें हर समय हर चीज के लिए एक समय होता है, इसलिए वो लोग देख के निकालते हैं कि ये इस मुहूर्त में आप करेंगे विवाह नामकरण जो भी संस्कार है तो अच्छा माना जाता है। और अच्छा समय राइट मोमेंट होने की वजह से उस संस्कार का जो रिजल्ट है वो सही आता है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं और जैसे जैसे उनके संस्कार होते हैं तो वो आगे शुद्धिकरण होता है, विप्र बनते हैं, द्विज बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, इस तरह से वैष्णव बनते हैं। तो संस्कार नहीं हो रहे हैं तो शुद्धि नहीं हो, तो संस्कार प्रथम संस्कार गर्भाधान, लास्ट संस्कार अंतिम संस्कार, इसी वजह से बोलते हैं अंतिम संस्कार। कश्यप जी कहते हैं कि दूषित मन अनुचित काल देवताओं की उपेक्षा मेरी आज्ञा का उल्लंघन होने की वजह से तुम्हारे गर्भ में दो बहुत ही भयानक राक्षस आ गए हैं, ये पूरी धरती को बर्बाद करेंगे, साधुओं को परेशान करेंगे, मारेंगे भक्तों को मारेंगे, निष्पाप निर्दोष। तो ऐसे कौन सी ऐसी माँ होगी जो ये चाहे कि मेरे बच्चे दूसरों को कष्ट दें, जहाँ जाए इसी नाम से फेमस हो, ये करता है वो करता है, शिकायतें घर पे आए। तो दीदी नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे इस तरह के हों। कश्यप जी ने और आगे भी बताया कि इतने खतरनाक होंगे कि देवताओं तक को नहीं छोड़ेंगे, तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा, इतने भयंकर बच्चे हैं। दीदी को आईडिया नहीं था कि इतना बड़ा गड़बड़ होने वाला है। तो फिर कहते हैं कि इतने खतरनाक होंगे, इतने खतरनाक होंगे, इतने खतरनाक होंगे कि इनको मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा और वो भी दो के लिए दो बार आना पड़ेगा। तो अभी तक तो दीदी परेशान थी, पर जब ये सुना कि मेरे पुत्रों को मारने के लिए स्वयं भगवान आएंगे तो उसको थोड़ा अच्छा लगा। कोई गरे पुत्रों के मरने की बात हो रही है और उसको अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि दीदी जानती है कि अगर भगवान के द्वारा मारे जाएंगे तो उनका तो मुक्ति तय है, उद्धार हो ही जाएगा। और दीदी को भय इस बात का था कि मेरे बेटे ब्राह्मण के श्राप से न मारे। अगर आप देखेंगे तो सबको उस जमाने में डर रहता था, तो सिर्फ एक चीज का, ब्राह्मण या वैष्णव का श्राप, और किसी चीज का नहीं है। भगवान से भी नहीं इतना लोग डरते हैं, तो भगवान दयालु है, कुछ ज्यादा कहते नहीं है ना। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तव स्थाने अपराधे नहीं परित्रण। कहते हैं
हरि के प्रति अगर कोई अपराध हो गया है तो उसको तो हरि नाम करने से हट सकता है, लेकिन ये वैष्णव ठाकुर वैष्णव अगर आपके प्रति कोई अपराध हो गया तो फिर उसका कोई उपाय नहीं, परंतु उसको कोई उपाय ही नहीं है, साधन ही नहीं है। आगे कथा आएगी अम्बरीश महाराज दुर्वासा ऋषि की, उसमें इसमें पता चलेगा। तो दिति बाद में फिर भगवान शंकर से क्षमा याचना मांगी, भगवान शंकर से प्रार्थना करती है क्षमा की, तो भगवान शंकर तो आशुतोष से धोले क्षमा कर देते सब, है ना। और अब चूंकि पश्चाताप का भाव आ गया है मन में, चेतना में, तो चेतना भी शुद्ध है इस समय, है ना। भगवान शंकर से क्षमा याचना किया तो एक चीज सही हो गई, क्या, देवताओं की उपेक्षा जो हुई, शंकर जी की उपेक्षा जो हुई वो ठीक हो गई, एक चीज सही कर ली। दूसरी चीज क्या थी कि चेतना खराब थी, चेतना खराब थी तो उसके लिए क्या किया, पश्चाताप का भाव आया तो चेतना भी ठीक हो गई। अब तीसरा, समय खराब था और पति का आज्ञा का उल्लंघन, है ना। तो अब तो पति से भी क्षमा मांग लिया तो वो भी शांत है, तो इस तरीके से उन्होंने, अब समय जो था वो तो निकल गया, उसको तो कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरीके से कश्यप जी कहते हैं कि चूंकि अब आप पश्चाताप कर रहे हैं, भगवान शंकर से भी क्षमा मांगा है, अपनी गलती को मान रहे हैं और मेरी भी आज्ञा मानने के लिए तैयार है, क्योंकि दीदी के लिए अब आप जो कहेंगे वही करूंगी, तो इसलिए अब ऐसा होगा कि आपके बेटे तो खतरनाक होंगे लेकिन उनका बेटा नेक्स्ट जनरेशन महानतम भक्त बनेगा, ऐसा भक्त बनेगा कि सारी दुनिया उस भक्त के नाम से भक्ति करेगी, उसके ही पद चिन्हों पर चलना चाहेगी, वो विश्वविख्यात भक्त बनेगा प्रहलाद महाराज की। तो इस तरीके से ये वार्तालाप हुआ। इसके बाद अदिति गर्व तो हो गया था, लेकिन अदिति को डर था कि ये मारकाट तो हो, तो वो उसने ना बच्चों को जन्म ही नहीं दे रही थी, बच्चों को जन्म नहीं दिया और 100 साल तक वो अपने गर्भ में ही रखे रही थी, पश्चाताप के कष्ट मैं खुद सहूंगी जो गलती मैंने करी है। तो 100 सालों तक दिति उन गर्भ को अपने पास ही रखी, उसने जन्म नहीं होने दिया। तो ये तो बड़े खतरनाक बच्चे थे, कोई साधारण बच्चे नहीं थे, तो इन्होंने कहा गर्भ में ही इन्होंने अपना प्रभाव दिखाना चालू कर दिया और पूरे तीनों लोगों में ऐसे हाहाकार मचने लगा, अंधेरा छाने लगा, अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी, ऐसे लगने लगा जैसे प्रलय का समय आ गया, अभी तो सृष्टि का शुरुआत चल रहा है, प्रलय जैसा समय आ गया। जब भी कुछ ऐसा होता है सबसे ज्यादा समस्या किसको होती है, सबसे पहले देवताओं को, देवताओं को चिंता हुई, ऐसी भयानक स्थिति देख के सभी देवतागण किसके पास गए, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी की प्रार्थना किया, स्तुति किया और कहते हैं कि ये जो तीनों लोगों में जो अंधकार फैला हुआ है, इस अंधकार को देख के हम बड़े चिंतित हैं, आप तो सृष्टि के पालक हैं, आप सब जानते हैं, आप हमें बताएं कि इस अंधकार का क्या कारण है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि दिति का जो गर्भ में जो बच्चे हैं उनकी तेज के प्रभाव से सब हो रहा है और इसके बारे में घटना है, इसको मैं बताता हूँ तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये इतने खतरनाक बच्चे कैसे हैं। तो एक समय बहुत पहले की बात है कि चार कुमार, जिस तरीके से तो चार कुमार जो है वो भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते थे, उनको लगता था कि जो कुछ है क्या है,
प्रकाश है, क्योंकि भगवान के शरीर से हमेशा नित्य प्रकाश निकलता रहता है ना, और उस प्रकाश उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। कभी कभी आपने शायद कभी सुना भी हो कि कुछ नहीं है, सबसे ऊपर क्या है, लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो होता क्या है कि वो प्रकाश तो है, लेकिन जब प्रकाश है तो कहीं से तो आ रहा होगा, ऐसे ही प्रकाश है। तो प्रकाश आ रहा है आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से, वो विग्रह कृष्ण जो है उनके शरीर से वो प्रकाश निकल रहा है, और वो प्रकाश गोलोक पूरे वृंदावन गोलोक में फैला हुआ है, और वही प्रकाश ही को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उसी ब्रह्म ज्योति में असंख्य वैकुंठ धाम है, सब उसी में है। तो होता क्या है, जब कोई योगी साधना योग करके अगर उस ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाता है, तो जैसे अचानक आप मान लो रात को जा रहे हैं, ये भौतिक जगत तो अंधकार में है, अंधकार में कहाँ है, दिन में उजाला रहता है, अंधकार में है, इसलिए सूर्य चंद्र की जरूरत पड़ती है। आध्यात्मिक जगत गोलोक में सूर्य चंद्र है, जरूरत नहीं पड़ती। गीता में बोल रहे हैं ना, तो भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा निवर्तन्ते तद् धाम परमम। हमारे धाम में सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्र की जरूरत नहीं, बिजली की जरूरत नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं। तो वहां पे जब जैसे हम लोग अंधकार में जा रहे हैं, या हमारे व्हीकल का लाइट कम है, बाहर से उस तरफ से कोई बड़ा गाड़ी आ जाएगा, आजकल जो ना बड़ा बॉल लाइट, तो एकदम से कुछ नहीं दिखता है ना, तो वो इतना तेज प्रकाश है ब्रह्म ज्योति का कि उस जीव को कुछ दिखता नहीं, उसको लगता है दूर दूर तक यही है और कुछ नहीं है। तो अल्टीमेट क्या है, ब्रह्म ज्योति है उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वो उसको भेद नहीं पाते है ना। पर जो भक्ति मार्ग में है उसको पता है कि इस प्रकाश के आगे प्रकाश का स्रोत है जो भगवान कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह। तो ये जो चार कुमार हैं, इनको इस बात का विश्वास नहीं कि भगवान का कोई रूप है, ठीक है।